दोस्तों आज हम आपको उत्तर प्रदेश में घटी नागिन के बदले की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के गांव की है जहां पर एक पिछड़ा हुआ गांव है और इस गांव में हर जाति के लोग एक साथ रहते हैं। वो लोग अपना पेट जंगल में शिकार करके भरते हैं। सभी लोग एक साथ जंगल जाकर शिकार किया करते थे और उस शिकार को पकाकर अपना पेट भरते थे। दोस्तों एक बार मुस्लिम झुंड मिलकर जंगल में शिकार करने गया। उनमें से एक सलीम नाम का व्यक्ति झुंड से अलग हो गया और अपना शिकार ढूंढने लगा। दोस्तों तभी अचानक से उसके सामने एक नाग अपना फन फैलाए हुए खड़ा हो गया। सलीम अच्छा खासा शिकारी था तो उसने अपने हाथ में तेज तरार धार वाले हथियार को नाग के ऊपर फेंका और बदकिस्मती से उसका निशाना सही लगा। हमने बदकिस्मती किस लिए कहा ये आपको अभी पता चलेगा। और सलीम के हथियार से नाग का सिर धड़ से अलग हो गया। बदकिस्मती इसलिए क्योंकि वही कुछ दूरी पर दोस्तों उस नाग की नागिन ने ये सारा दृश्य देख लिया था और वो भागती हुई सलीम की तरफ बढ़ी। जब सलीम ने देखा कि नागिन ने ये सब देख लिया है तो उसे पता था कि अब उस पर वो नागिन हमला जरूर करेगी। उसने तेजी दिखाते हुए जंगल से भागना शुरू किया और नागिन भी पूरी ताकत से भागते हुए सलीम का पीछा करने लगी। आखिर में 2 घंटे बाद भागते हुए सलीम का पैर किसी पत्थर से टकराया और वो वहीं जंगल में गिर गया। जंगल घना था इसीलिए सलीम रास्ता भटक गया और नागिन की पकड़ में आ गया। तब उस नागिन ने सलीम के पैर पर डसा और फिर पूरे शरीर पर डस डस कर उसकी जान ले ली। इससे भी जब मन नहीं भरा तो उस नागिन ने एक महिला का रूप लिया और जिस हथियार से उसने उसके नाग को मारा था उसी हथियार से उस नागिन ने सलीम पर अनगिनत वार किए। ये घटना सलीम के साथियों ने दूर से होते हुए पूरी देखी। दरअसल वो लोग सलीम को ढूंढ रहे थे। इतने में ही उन्होंने उस नागिन को सलीम पर हमला करते हुए देख लिया था और फिर महिला का रूप बदलकर जब उसने ये सब कार्य किया तो ये सब भी वो लोग सब कुछ देख रहे थे। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि सलीम के पास जाकर उसको बचा ले क्योंकि सलीम के साथी समझ गए थे कि ये कोई साधारण नागिन नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। दोस्तों फिर सलीम के साथियों ने अन्य लोगों को बुलाकर सलीम को वहां से उठाया और गांव में लेकर आए। सलीम की हालत ऐसी थी कि कोई उसको देख भी ना पा रहा था। इसके बाद सलीम को मुस्लिम धर्म के अनुसार मुक्ति दी गई और लोगों ने उस जंगल में जाना ही छोड़ दिया। वो नागिन उस जंगल में किसी को कोई कार्य नहीं करने देती। अगर उसको पता चल जाता है कि जंगल के किसी दिशा में मनुष्य आया है तो वो तुरंत वहां जाकर उन पर जानलेवा हमला कर देती है। दोस्तों वहां के लोग आज भी मानते हैं कि उस जंगल पर नागिन का राज है। आज भी उस गांव के लोग नागिन के खौफ से जंगल में नहीं जाते। दोस्तों इस बात से ये तो पूरा स्पष्ट है कि हमें कभी भी नाग नागिन के जोड़े को अलग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।